मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं अनिल मिश्रा। मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे आप यहाँ जो छोटे छोटे कटड़ी कटड़ा पाड़ी पाड़ा बाछी बाछा हैं उनमें अगर पेट के अंदर कीड़े पड़ जाएं तो आप कैसे निकालेंगे और ये सारी विधि जो है आपके घरेलू उपाय के ऊपर आधारित है और ये काफ़ी अच्छा नुस्खा है और ये NDDB द्वारा तैयार किया गया नुस्खा है। इसको अगर आप देख करके अपने यहाँ करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके यहाँ कटड़ी कटड़ा बाछी बाछा पाड़ी पाड़ा में पेट के अंदर कीड़ों से समस्या से निजात मिल सकती है। वैसे भी बच्चों को जहाँ तक हो सके आयुर्वेदिक ही पेट के अंदर कीड़े की दवाई दें, चूँकि एलोपैथिक में देने से केमिकल होता है, स्ट्रेस आता है बच्चों में। तो इसलिए हमारी भी गुजारिश है कि आप इन नुस्खों को आजमा करके अपने बच्चों में पेट के अंदर कीड़ों को निकालें ताकि वो स्वस्थ रह सकें और अच्छी ग्रोथ हो सके और आपके डेयरी में फायदा हो सके। अगर आपको एक और वीडियो देखनी है घरेलू उपाय में तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और वहां जा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद पेट के अंदर और बाहर के कीड़ों के लिए अगर आपको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन से संबंधित जानकारी चाहिए तो उस पर भी आई बटन में मैंने दे दिया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों पेट के अंदर कीड़े निकालने के लिए आपको अपने घर के आसपास से सामग्री इकट्ठा करें। अगर नहीं मिलती है तो किसी पंसारी की दुकान पर जा करके आप इसको ले सकते हैं। रोज यूज करने वाली जो प्रयोग करने वाले चीज हैं ये 11 आइटम हैं। इसमें नंबर एक आपको प्याज है, लहसुन है, सरसों के बीज है यानी सरसों है, नीम के पत्ते हैं, केले का तना है, द्रोण पुष्पी या गोफा नाम का जो है पौधा लेना है, जीरा लेना है, करेला लेना है, गुड़ लेना है, हल्दी लेना है और काली मिर्च लेना है। ये 11 तरीके के आइटम आप इकट्ठा कर लें। एक दिन की दवाई के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन की दवा के लिए मान के चलिए कि एक नग आपने प्याज ले लिया और लहसुन की 5 कलियां ले लिया आपने, सरसों 10 ग्राम लिया, नीम के पत्ते 1 मुट्ठी ले लिया और जीरा 10 ग्राम, करेला 50 ग्राम, हल्दी पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, केले का तना लगभग 100 ग्राम और द्रोण पुष्पी के जो पत्ते हैं वो 1 मुट्ठी और गुड़ 100 ग्राम। तो इतने सामान लेकर के आप इकट्ठा कर लीजिए। तैयार करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है और कैसे खिलाना है। तो तैयार करने की विधि में जीरा, काली मिर्च एवं सरसों को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद सभी सामग्रियों को मिलाकर पीस लें और एक पेस्ट बना लें। अब पेस्ट बनने के बाद मिश्रण के छोटे छोटे लड्डू बना लें। आप तैयार लड्डू को थोड़े नमक के साथ दिन में एक बार अपने पशुओं के बच्चों को खिलाएं। ये प्रयोग आपको 3 दिन करना है। इससे आपके यहाँ पशुओं के बच्चों में से पेट के अंदर से कीड़े निकल जाएंगे। ये नुस्खा ई गोपाला नामक ऐप से लिया गया है। अगर इस ऐप को आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में वीडियो को देखते हुए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और अपने यहाँ हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। इस ऐप से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। ये थी आज की जानकारी और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और हम हर कमेंट का जवाब भी देते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने यारों दोस्तों मित्रों को आप शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पशु पक्षी परिवार में आप शामिल हो जाएं। आपका हम स्वागत करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, बाय बाय मित्रों।